हाय फ्रेंड्स, सभी का अब इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जाम को होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 17 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपका जब रिजल्ट आया था तो उस समय आपके कंपार्टमेंट एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन सारे क्वेश्चन पर मैंने अलग अलग वीडियोज़ भी बनाया था, इम्प्रूवमेंट के लिए अलग, कंपार्टमेंट के लिए अलग। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू, आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छा उस पर व्यूज़ भी गया, 3K 4K बहुत अच्छा गया। पर पता नहीं अब यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, अब व्यूज़ नहीं जा रहे, अब 100, अब मैक्सिमम 100 तक ही जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट मुझे मेहनत करते रहना है आप सभी लोगों के लिए। सो मैं वीडियो इस पर बनाते रहूँगी एंड आपका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि अब आपका लाइक एंड कमेंट ही आप मुझे मोटिवेशन देता है इस वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। सो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे जब आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, तो उन सारे सब मैंने, जैसा कि मैंने बताया, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाया था। चलिए कुछ कमेंट्स देखते हैं एंड उसका जवाब देखते हैं कि आपको अभी तक वो सारे क्लियर हो चुके हैं नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट कमेंट है आपका, कितने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। सो क्लास 10 के स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं एंड क्लास 12 के स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप सिर्फ एक बार दे सकते हो, ठीक है, इस ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना था। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अभी तक जिनको भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर चुके होंगे, क्योंकि आपका 15 जून तक ही टाइम था उसको अप्लाई करने का, ठीक है। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो तो अपने स्कूल जाके ही उनको करना था, एंड जो प्राइवेट स्टूडेंट थे उनको वो ऑनलाइन मोड में करना था अपना CBSE के साइट से, ठीक है। एंड अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का बचा हुआ है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को फिल करने का, सो ऑफलाइन मोड में तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मोड में अगर कुछ हो सके CBSE के तरफ से तो आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक और क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट है वो क्लास 12 के हैं, ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि उनका थ्योरी में 13 मार्क्स आया है एंड उनके इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स आए हैं, तो क्या वो फेल होंगे या पास होंगे। क्योंकि उनका क्लास 12 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको थ्योरी में अलग से 33% स्कोर करना होता है, प्रैक्टिकल में अलग से 33% स्कोर करना होता है, तो वो ऐड करके टोटल 33 बता दिए, क्योंकि मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। सो आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, कि आपका जब एग्ज़ाम देते हो आप मैथ्स का, तो आप कितने मार्क्स का देते हो, आपका जो पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है। वो आप 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हो तो वो जो आप एग्ज़ाम देते हो उसी में आपको 33% स्कोर करना होता है, आउट ऑफ 80 आपको 27 मैक्सिमम 27 मार्क्स लाना होता है तभी आप पास होगे, ठीक है, वरना पास नहीं हो सकते हो। सो यहाँ पे ये जो इनका क्वेश्चन है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, मतलब ये वो पास नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिर्फ थ्योरी में 13 मार्क्स आया है, मैक्सिमम उनको 27 लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, तो मैम क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो क्या उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका रिजल्ट आया ना, उसके बाद CBSE ने एक एक करके सर्कुलर धीरे धीरे करके आउट करते गया एंड एक सर्कुलर में ये बताया हुआ था कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे एंड क्लास 10 के स्टूडेंट उनको अलग से प्रैक्टिकल देने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो तो आपका मार्क्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है, या आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया प्रैक्टिकल में, सो जो भी आप थ्योरी का एग्ज़ाम दोगे कंपार्टमेंट का, जिस भी सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे रिजल्ट के बाद बताया गया, पूछा था क्वेश्चन में, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो तो आपका प्रैक्टिकल में आप पास हो तो आपके मार्क्स आगे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म कब तक आएंगे। तो ये तो फॉर्म आ चुका है 15 जून तक, आई नो ये कमेंट्स काफ़ी पुराने हैं,
तो मैंने बस इसलिए वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे थे। मैंने इस पर वीडियोज़ भी बनाया है आपके लिए, जैसे जैसे वीडियो आता गया, सर्कुलर आता गया CBSE का, वैसे वैसे मैंने वीडियोज़ भी डाले हैं। ठीक है, सो ये फॉर्म कब तक था? तो फॉर्म तो आपका 15 जून तक ही भरने का लास्ट डेट था। सेंटर कहाँ जाएगा? कंपार्टमेंट एग्जाम का स्कूल में या कहीं और। ठीक है, सो इसका जवाब फ्रेंड सर्कुलर कुछ समय पहले ही आया था ये जो सो चलिए फ्रेंड्स इसका जो सर्कुलर आया था वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपका सर्कुलर आया था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 6 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 20 जुलाई तक वो चलेगा। तो प्रैक्टिकल का वेन्यू आपका दिया हुआ था रेगुलर स्टूडेंट के लिए, उनके स्कूल में ही होगा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम का भी शायद वहाँ आपके स्कूल में ही हो रेगुलर स्टूडेंट का, एंड प्राइवेट स्टूडेंट का वहीं सेंटर पे होगा जहाँ पे उनका पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का जहाँ पे उनका सेंटर था वहीं पे उनका प्रैक्टिकल का भी सेंटर दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंपार्टमेंट एग्जाम का टाइम लिमिट क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ तक तो आपको पता चल चुका होगा अब तक। टाइम लिमिट है आपका 10:30 से 1:30 PM। ठीक है, जो आपका सर्कुलर आया था कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा कंपार्टमेंट का एंड इम्प्रूवमेंट का, तो उसमें आपका टाइमिंग दिया हुआ था 10:30 से 1:30 PM एंड आपका एग्जाम 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 एंड 12 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहले मैथ स्टैंडर्ड थी तो क्लास 10 में अगर हम कंपार्टमेंट का एग्जाम मैथमेटिक्स देना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है। सो फ्रेंड्स आपका एक सर्कुलर CBSE की तरफ से आउट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले मैथ स्टैंडर्ड से अपना एग्जाम दिया है वो आप मैथ बेसिक से दे सकते हैं। ठीक है, एंड वो क्लास 11 में जब वो जाएंगे अगर उनको PCM स्ट्रीम लेना है तो वो भी उनको मिल सकता है। जहाँ भी उन जिस भी स्कूल से हैं अगर उनके प्रिंसिपल उनको अलाउ करेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट PCM स्ट्रीम ले सकता है क्लास 11 में, तो वो स्टूडेंट अब क्लास 11 में भी ले सकते हैं। वहाँ पे आपके एबिलिटी को देखा जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट में इतना एबिलिटी है कि ये मैथ स्टैंडर्ड मैथ मतलब पढ़ सके आगे भी क्लास में। ठीक है, तो अगर आप मैथ में अच्छे हो तो आपको मिल ही जाएगा PCM स्ट्रीम आगे जाके। ठीक है, सो आप मैथ बेसिक एग्जाम अभी आप दे सकते हो कंपार्टमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन था एक और स्टूडेंट का, वो ये है कि जैसे साइंस में वो इंग्लिश मीडियम से दिए हैं तो क्या वो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप सभी के पास अगर इसका आंसर है तो प्लीज़ बता दीजिए। मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हिंदी मीडियम में दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, वहाँ पे शायद आपसे पूछा जाता है ना कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देते हो। सो अगर आपके पास इसका कोई जवाब होगा फ्रेंड्स किसी के पास भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यही सब कुछ आपके कमेंट्स थे जिस पे मैंने पहले भी वीडियोस सारे बनाया हुआ था अलग से, कंपार्टमेंट एग्जाम का अलग से, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का अलग से। सो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, चैनल अभी मेरा चल नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो आपकी सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।